हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर मिनिस्ट्रियल कंडक्ट ऑफ पीएसटी पीईटी ट्रेड टेस्ट डीवी डीएमई आरएमई। अब ये देखिए, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और री मेडिकल पूरा एक साथ ही होगा, किस डेट से होगा। तो ये देखिए, 13/6/2024 का सिग्नल है। सिग्नल सैलो कहाँ से आया है, टू इन्फो दिया है किसको, सभी जितना भी हेडक्वार्टर्स है सीआरपीएफ का, फ्रॉम रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट से आया है। और ये क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया पर आ चुका है। सोशल मीडिया पर आ गया तो कोई चीज़ गोपनीय नहीं है। काइंडली रेफ दिस डायरेक्टरेट सिग्नल नंबर डेटेड 16 अप्रैल 16/4/2024 का एक सिग्नल था, जिसमें ये कहा गया था कि सेकेंड वीक ऑफ जून में पीटी पीएसटी डीवी ट्रेड टेस्ट और उसके बाद में डीवी डीएमई आरएमई स्टार्ट होगा, लेकिन वो अब रीशेड्यूल हो गया है। 10 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 तक होगा। 10 नहीं, वो लगभग 20 तक चलेगा, क्योंकि मेडिकल भी साथ में ही होगा। तो री मेडिकल में जिन कैंडिडेट्स को 2 दिन 5 दिन 7 दिन का समय लग जाएगा, वो तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर मिनिस्ट्रियल तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान से भी तैयारी में जुट जाइए। नोटिस बिल्कुल सही है, डेट फिक्स हो गई है आपकी, और बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। अग्रिम शुभकामनाएं तमाम उन कैंडिडेट्स को जो सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर मिनिस्ट्रियल रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपको तैयारी करनी है अपना पीटी पीएसटी ट्रेड टेस्ट डीवी डीएमई आरएमई, सब कुछ एक साथ ही होगा। यानी कि आपको समय नहीं मिलेगा मेडिकल के लिए, तो वो भी अपनी तैयारी रखें। ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी रखें, ड्राइवर वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपने ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करें, पायनियर मिनिस्ट्रियल जो भी आपका ट्रेड है उसके लिए पूरी तैयारी रखना है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने हैं, मेडिकल में गलती नहीं करनी है। टैटू वगैरह आपको है तो उसको अभी टाइम है आपके पास में, रिमूव करवा लीजिए। वेट का इशू है वो आप पूरा अपना अभी से देख सकते हैं, अभी लगभग महीने भर का समय है आपके पास में। जय हिंद।